सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मकास और आप देख रहे हैं श्योर व्यू। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दिन पहले ही कलोएस की तरफ से कलोएस 11 लॉन्च किया गया था, जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों उसी दिन काफ़ी सारे डिवाइसेस को सिलेक्ट किया गया था इसी अपडेट को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस को सिलेक्ट किया गया अपडेट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि सेकेंड डेट था 30 सितंबर का, जो कि आज का डेट है दोस्तों, वो है दोस्तों यहाँ पर 3 डिवाइसेस को सिलेक्ट किया गया था 30 सितंबर को कलोएस 11 का अपडेट देने के लिए। वो है दोस्तों Reno3 4G, ओप्पो Reno3 Pro 4G और ओप्पो F17 Pro। तो इन तीनों डिवाइसेस में दोस्तों सुबह से लेकर के अभी तक शाम हो गया था, फिर भी अपडेट नहीं प्रोवाइड किया गया था। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली 10 बजे के बाद, यानी कि दोस्तों 10 PM के बाद जो अपडेट है कोटास है, वो अवेलेबल कर दिया गया है। जो कि दोस्तों आपको कैसे ये अपडेट मिलेगा, कैसे लेना है, कितने GB तक का अपडेट आया है और कितने कोटास में आया है, तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर कलोएस ने ऑफिशियली ट्वीट किया है, जो कि आप देख सकते हैं, कॉलिंग ऑल F17 Pro यूजर्स, अप्लाई फॉर ओप्पो कलोएस 11 बीटा वर्जन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 नाउ। द फर्स्ट बैच इज अवेलेबल इन इंडिया विथ 2000 टोटल कोटास, सो हरी बिफोर यू मिस योर चांस। तो यहाँ पर दोस्तों 2000 कोटास अवेलेबल कराया गया है, जो कि सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए है। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है और अपडेट कब तक आएगा, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो कि सेकंड ट्वीट देख लेते हैं, वो है दोस्तों Reno3 4G एंड Reno3 Pro 4G यूजर्स कैन अप्लाई कलोएस 11 बीटा वर्जन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। द फर्स्ट बैच कम्स विद 2000 कोटास फॉर ईच मॉडल इन इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों डिवाइसेस के लिए भी 2000 कोटास अवेलेबल कराया गया, जो कि इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया 3 कंट्री के लिए प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है, अपडेट का जो नोटिस प्रोवाइड किया गया है ट्विटर पर, यहाँ पर सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल रिसीव द वर्जन विद इन 3 डेज। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 3 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब तक मिलेगा अपडेट। तो कैसे करना है दोस्तों आपको फिल फॉर्म, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाइएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट में क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक ऐसा पेज आएगा। जैसे कि दोस्तों आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जैसे आए, ऊपर में आपको राइट साइड में एक सेटिंग का आइकन मिल जाएगा। सिंपली से सेटिंग के आइकन में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि दोस्तों एंड्रॉयड 11 इंटू कलोएस बीटा वर्जन। तो सिंपली से दोस्तों एंड्रॉयड 11 इंटू कलोएस बीटा वर्जन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है। सिर्फ आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर सबमिट करके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करके अप्लाई नाउ कर देना है, जो कि दोस्तों आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल डन हो जाएगा। डन होने के बाद दोस्तों फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो थोड़ा देर रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो अपडेट है 3.5 GB का आपके डिवाइस में अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों कलोएस 11 का अपडेट रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि ओप्पो F17 प्रो है उस डिवाइस के लिए दोस्तों C.07 का अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि वर्जन नेम है, और Reno3 Pro डिवाइसेस के लिए और Reno3 डिवाइस के लिए जो कि C.12 वर्जन प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो कि अपडेट का जो साइज है दोस्तों दोनों सेम है। और यहाँ पर दोस्तों अपडेट्स में जो कि अपडेट लॉग है वो भी सेम है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसी अपडेट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, जो कि दोस्तों पूरे डिटेल रिव्यू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले।